पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों में एक से बढ़कर एक ऊंची बिल्डिंग बनी है और आने वाले समय में इन बिल्डिंग्स से भी ऊंची बिल्डिंग्स को बनाया जा रहा है, क्योंकि बिल्डिंग्स बनाने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं। एक ही जगह पर बहुत सारे लोग रह सकते हैं, अगर यही लोग बाहर सिटी में अपने अपने घरों में रहेंगे तो वो सिटी कितना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इस बात को तो आप खुद से सोच ही सकते हो। इसीलिए सभी देशों की गवर्नमेंट बड़े बड़े सिटीज में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाने का अप्रूवल देती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उन बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट लेकर रह पाए। और इन बिल्डिंग्स को बनाने से गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट होता है, तभी ना गवर्नमेंट इन ऊंची बिल्डिंग्स बनाने का अप्रूवल देती है। अगर उसे इन बिल्डिंग्स से कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा तो भाई वो इन बिल्डिंग्स को बनाने का अप्रूवल क्यों देगी। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए उन बिल्डिंग्स की लिस्ट लेके आया हूँ जिन बिल्डिंग्स पर अभी काम चल रहा है, मतलब कि जब वो बिल्डिंग्स आने वाले एक दो साल में कम्प्लीट हो जाएंगी तो वो बिल्डिंग्स भी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स की लिस्ट में शामिल होंगी। और गाइस इन बिल्डिंग्स के बारे में बताने के बाद मैं आपको दो और ऐसी बिल्डिंग्स के बारे में बताऊंगा जो बिल्डिंग्स अभी के समय में जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा उससे भी ऊंची बनने वाली हैं। इन बिल्डिंग्स की हाइट बुर्ज खलीफा से बहुत ज्यादा होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस वीडियो को, जिसमें नंबर 6 पर है चेंगडू ग्रीनलैंड टावर। ये टावर चाइना के चेंगडू सिटी में ही है। इस टावर की हाइट होने वाली है 468 मीटर या हम इसे 1535 फीट भी बोल सकते हैं। इस बिल्डिंग को 2019 में बनाना स्टार्ट किया गया था और ये बिल्डिंग नेक्स्ट ईयर बनके कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि 2022 में ये बिल्डिंग बनके कंप्लीट भी हो जाएगी। इस बिल्डिंग में टोटल 101 फ्लोर होंगे और 4 फ्लोर इस बिल्डिंग के अंडरग्राउंड होंगे। इस बिल्डिंग के 2019 के लास्ट मंथ में काम रोक दिया गया और फिर 2020 के बीच में काम स्टार्ट किया गया। अगर इस बिल्डिंग पर ये काम ना रुका होता तो आने वाले 4-5 महीने में ही ये बिल्डिंग बनके कंप्लीट भी हो गई होती। और गाइस इस बिल्डिंग में LED लाइट्स का भी यूज किया गया है, जिससे ये बिल्डिंग अपने कलर चेंज कर सकती है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ये बिल्डिंग कर सकती है। तो गाइस नंबर 5 पर है वुहान ग्रीनलैंड सेंटर। ये बिल्डिंग चाइना के वुहान सिटी में बन रही है, जिस बिल्डिंग की हाइट है 476 मीटर या हम इसे 1562 फीट भी बोल सकते हैं। इस बिल्डिंग को 2012 में बनाना स्टार्ट किया गया था और ये बिल्डिंग 2022 में कंप्लीट भी हो जाएगी। इस बिल्डिंग में टोटल 97 फ्लोर्स होंगे और 6 फ्लोर्स अंडरग्राउंड होंगे। इस बिल्डिंग का मेनली यूज 3 कामों के लिए किया जाएगा, होटल, सर्विस अपार्टमेंट और ऑफिस। और गाइस इस बिल्डिंग से रिलेटेड एक ऐसी बात है जो कि आपको जरूर सुननी चाहिए। जब इस बिल्डिंग को बनाना स्टार्ट किया गया तब इस बिल्डिंग की हाइट 636 मीटर या 2087 फुट रखी गई, मतलब कि इतनी हाइट तक इस बिल्डिंग को बनाया जाएगा। जब ये बिल्डिंग 96वीं मंजिल तक बनके कंप्लीट हुई तो एयर स्पेस रेजुलेशन की वजह से इस बिल्डिंग को यहीं पर ही छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग को वापस से डिजाइन किया गया। इसीलिए इस बिल्डिंग की हाइट 500 मीटर या 1600 फीट से ज्यादा नहीं रखी गई। नंबर 4 पर है ग्रीनलैंड सेंटर। ये बिल्डिंग भी चाइना के जियान सिटी में बन रही है। इस बिल्डिंग की हाइट होगी 498 मीटर या 1634 फीट भी बोल सकते हैं। और इस बिल्डिंग में टोटल 101 फ्लोर्स होंगे। इस बिल्डिंग को 2017 में बनाना स्टार्ट किया गया था और ये बिल्डिंग 2024 में कंप्लीट हो जाएगी। इस बिल्डिंग का मेनली यूज होटल्स और ऑफिस के लिए किया जाएगा। नंबर 3 पर है सुजू जुहान सेंटर बिल्डिंग। ये बिल्डिंग भी चाइना के सुजोंग सिटी में बन रही है। और गाइस जब इस बिल्डिंग को बनाना स्टार्ट किया गया तो इस बिल्डिंग की हाइट 729 मीटर या 2391 फीट रखी गई, लेकिन एक कारण की वजह से इस बिल्डिंग की हाइट कम कर दी गई। बाद में इस बिल्डिंग की हाइट 499 मीटर या 1637 फीट कर दी गई। इस बिल्डिंग में टोटल 103 फ्लोर्स होंगे और ये बिल्डिंग 2020 में बनाना स्टार्ट की गई थी। और ये कब तक बनके कंप्लीट होगी अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। नंबर 2 पर है ग्रीनलैंड जिनमो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। ये बिल्डिंग चाइना के नानजिंग सिटी में बन रही है और इस बिल्डिंग की टोटल हाइट होगी 500 मीटर या हम इसे 1640 फीट भी बोल सकते हैं। इस बिल्डिंग में 102 फ्लोर्स होंगे और 5 फ्लोर्स अंडरग्राउंड भी होंगे। इस बिल्डिंग को 2019 में बनाना स्टार्ट किया गया था और ये बिल्डिंग 2025 में बनके कंप्लीट हो जाएगी। इस बिल्डिंग का यूज होटल और ऑफिस के लिए किया जाएगा। तो गाइस फाइनली नंबर 1 पर है मेरिडिका 118। ये बिल्डिंग मलेशिया के कुआलालंपुर सिटी में बन रही है। इस बिल्डिंग की टोटल हाइट 644 मीटर होगी या हम इसे 2113 फीट भी बोल सकते हैं। इस बिल्डिंग में 118 फ्लोर्स होंगे और 5 फ्लोर्स अंडरग्राउंड भी होंगे। और गाइस जब ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है तो आप इस बिल्डिंग की पार्किंग का अंदाजा नहीं लगा सकते। मुझे आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आप इतनी बड़ी बिल्डिंग की पार्किंग में कितनी गाड़ियां पार्क कर सकते हो। और हाँ, जो आपने सोचा वो वही लिखना, मैं जो बताने वाला हूँ वो मत लिख देना। देखते हैं कि किसने सही गेस किया। वैसे गाइस इस बिल्डिंग की पार्किंग में आप 8500 गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। लास्ट ईयर ही कोविड की वजह से इस बिल्डिंग के काम को रोक दिया गया और ये बिल्डिंग इसी साल फरवरी 2021 में 70% बनके कंप्लीट भी हो चुकी है। तो गाइस नेक्स्ट ईयर तक ये बिल्डिंग बिल्कुल ही बनके कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइस ये थी वो 6 बिल्डिंग्स जिन पर अभी काम चल रहा है और आने वाले समय में ये बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स की लिस्ट में शामिल हो जाएंगी। तो गाइस अब बताता हूँ मैं आपको उन दो बिल्डिंग्स के बारे में जो बुर्ज खलीफा से भी ऊंची होने वाली है। और ये दोनों बिल्डिंग्स अभी बनके कंप्लीट नहीं हुई है, आने वाले
समय में ये बिल्डिंग जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगी। तब ये बिल्डिंग्स दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का ताज अपने नाम करेंगी, जिसमें नंबर 2 पर है जेडा टावर। ये टावर सऊदी अरब के जेडा सिटी में बनाया जा रहा है और इसकी हाइट होगी 1000 मीटर या 3300 फीट भी बोल सकते हैं। ये हाइट बुर्ज खलीफा बिल्डिंग से बहुत ज्यादा होगी। इस बिल्डिंग को 2013 में बनाना स्टार्ट किया गया था और अभी इस बिल्डिंग को होल्ड पर लगा दिया गया है और इसकी कोई कंफर्म ईयर भी नहीं है कि कब तक ये बिल्डिंग कंप्लीट हो पाएगी। नंबर 1 पर है बुर्ज मुबारक अल काविर। ये बिल्डिंग कुवैत में बन रही है और इस बिल्डिंग की हाइट होगी 1001 मीटर या हम इसे 3284 फीट भी बोल सकते हैं। इस बिल्डिंग में टोटल 234 फ्लोर्स होंगे। इस बिल्डिंग के बनने पर काम चल रहा है और 2030 तक ये बिल्डिंग बनके कंप्लीट हो सकती है। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही और आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो हमें किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। और हाँ, इतना कहने के बाद भी यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम्हारा भाई आगे कैसे जाएगा मेरे भाई। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे उन्हें भी इन सब के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।